है दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं जो शेयर आपके लिए लेके आया हूँ वो सन फार्मा है। सन फार्मा में आजकल बहुत न्यूज चल रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही इसमें उछल कूद हो रही है। आज अच्छा खासा एक गिरावट शो किया है। एक्चुअली ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी मुंबई बेस्ड है। और आप देखेंगे तो इनके जो फाउंडर हैं दिलीप संघवी जी हैं, गोरेगांव में इनका हेडक्वार्टर है और आज की क्लोजिंग 455 रुपये पे भी है। ये सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जिन्हें इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र डेट मैन्युफैक्चर एंड सेल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्राइमरी इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। और ये देखेंगे तो आप 40 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इनके, 150 मार्केट मोर देन 150 मार्केट्स एरिया में सेल करते हैं, 30,000 एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड है और ग्रेटर देन 2,000 प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी तो बहुत बड़ी है लेकिन इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू चल रहा है जिसके चलते इसकी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। समरी देखें तो ये मार्केट कैप है इसकी 1,18,191 करोड़ की, बुक वैल्यू इसकी 170 है। स्टॉक की पी रेशियो जो है 30 चल रही है, जो इंडस्ट्री की अगर 50 चल रही है तो इसकी 30 चल रही है, पी रेशियो भी हाई है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 7.5% है। बट जो निगेटिव क्या है वो सेल्स ग्रोथ जो इसका है माइनस निगेटिव ग्रोथ है, डिविडेंड टी के 0.4 बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसका हाई 52 वीक हाई 678 है और लो जो है 434 है। वापस इसका क्रुशियल लो जो है अब बन चुका है 434 का। अगर 434 को ये तोड़ता है तो आज जो क्लोजिंग इसने दी है 455 में, तो इसको आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो 455 रुपये 40 पैसे पे इसने एनएससी में क्लोजिंग दी है, 37 पॉइंट की गिरावट के साथ, 7.5% 7.55% के साथ गिरावट के साथ। और वॉल्यूम तो देखें तो 6,14,92,000, मतलब इतना वॉल्यूम हुआ, क्या सॉलिड वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, वॉल्यूम तो कहना ही नहीं। और ये कंटिन्यू अभी चल ही रहा वॉल्यूम, तो ये कंटिन्यू वॉल्यूम से ही तोड़ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है जिसके साथ ये टूटा हुआ है। यहाँ कोई बड़े फंड मैनेजर होंगे जो इनको बेच रहे होंगे। एक्चुअली एक न्यूज आएगी, सन फार्मा प्लस 10% सेबी प्लान्स टू रीओपन ट्रेडिंग इनसाइडर केस, इनसाइडर ट्रेडिंग केस। इनका कोई इनसाइडर ट्रेडिंग केस है उसके चक्कर में ये न्यूज, चलिए अब देख लेते हैं। तो ये न्यूज आते ही यहाँ पे अच्छी खासी इनकी धुलाई हो गई और आज अच्छा खासा इन्होंने सुबह समझिए 35-37 पॉइंट को तोड़ दिया इसने, 37.20। एक टाइम तो ये 441 का लो भी बना चुका था, फिर यहाँ से रिकवरी लेकर के ये जो अपनी क्लोजिंग दी 455 में क्लोजिंग दी। अभी अभी ये न्यूज़ देख लीजिए, सन फार्मा अलोंग विद इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप संघवी एंड 9 अदर हैड सेटल द इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोब पेइंग ₹18 लाख अगेंस्ट द सेटलमेंट चार्जेज इन 2017। 2017 में इनके अगेंस्ट में कुछ केस लगा था, फाइल हुआ था और उसमें वापस जो है इसमें जो एक कंप्लेंट दर्ज हुई है और उस मैक्वायरी ने सेटिस्फाई नहीं है इसके कि वो डील कैसे क्लोज हुई थी। तो मैक्वायरी इन इट्स नॉट रेज सेवरल क्वेश्चन अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस बाय द कंपनी, द नोट पॉइंट्स टू एलिस्ट कनेक्शन विद टेंटेड एंटिटीज लाइक केतन पारिक, धर्मेश जोशी एंड द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद रिगार्ड्स टू सुधीर वालिया एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सन फार्मा एंड ऑल्सो द ब्रदर इन लॉ प्रमोटर दिलीप सांघवी। द नोट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट गारंटी गिवन टू सुरक्षा रियल्टी अपार्ट फ्रॉम सीकिंग क्लारिफिकेशन एंड वाई टू ए लिटिल नॉन लंदन बेस्ड फॉर्म जेमिन कैपिटल वॉज सेलेक्टेड टू मैनेज सन फार्मा 275 मिलियन फॉरन कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो इन्होंने कुछ दूसरे को कुछ गारंटी वगैरह दी जिसके चलते दी और वो केस जब अच्छा खासा बवाल हुआ तो उसको इन्होंने सेटल कर दिया। तो वापस इसमें मोदी ने क्वेश्चन उठाया जिसके चलते वापस ये केस को सेबी ने बोला मैं वापस रीओपन करूँगा। On 13 reported that while whistleblower had complained market regulator SEBI alleging numerous irregularities against Sun Pharma, its main promoter Dilip Sanghvi and Sudhir Walia, इनके अगेंस्ट में जो मुडीज ने बोला है अच्छा खासा ये इनसाइडर ट्रेडिंग किए थे, मोस्ट ऑफ देयर रेपुटेशन ऑफ द पॉइंट मेंशन इन द मैक्वायरी नोट। इन एडिशन द व्हिसलब्लोअर एलिज्ड दैट ड्यूरिंग द रैनबैक्सी एक्विजिशन द प्रमोटर मे हैव गेन्ड एज मच 8,000 करोड़ थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग। जब इन्होंने रेनबैक्सी एक्वायर किया था तो इनसाइडर ट्रेडिंग किया था और 8,000 का गेन बनाया था।
Sun Pharma, along with managing director Dilip Sanghvi and nine other had settled the insider trading probe, paying rupees 80 lakhs against the settlement charges in 2017. और इस 8000 करोड़ को जो इनसाइडर ट्रेडिंग की थी उसको 18 लाख देकर के उन्होंने सेटल कर दिया था। रिसर्च हाउस यूबीएस हैज मेंटेन बाय कॉल ऑन सन फार्मा विद अ टारगेट ऑफ 6090। अकॉर्डिंग टू यूबीएस द विसल ब्लोइंग एलिगेशन आर वैल्यूएशन डैम्परिंग एट द मिनिमम। दिस नेगेटिवली इंपैक्ट मैनेजमेंट्स बैंडविड्थ एट ए टाइम व्हेन की ब्रांड्स आर गेटिंग लॉन्च। इट एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रीच नेगेटिवली टू द विसल ब्लोअर एलिगेशन। द कंपनी विल कंडक्ट ए कॉल ऑन आज ये 6:30 को, उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेगी इसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए। और इसी बीच में एक और न्यूज आया कि इसका कोई एक ड्रग था वो पास हो गया है। अब और एक ड्रग देखेंगे सन फार्मा गेट्स यूएसडी, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये इनका पास हुआ है एक ड्रग, तो वो इशू है बस। इस एलिगेशन जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मैटर आया इसे चक्कर में ये शेयर ने तोड़ दिया, और तोड़ा ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा तोड़ दिया। अब इसको आपको जो क्या करना है, एक्चुअल में इसमें करना क्या है, ये टूट तो गया तो ये बाय कर लेना है क्या? बहुत अगर इतना टूटा हुआ है और 679-700 से अगर गिरते हुए आ रही है तो इसको बाय करना चाहिए? हरगिज़ बाय नहीं करना चाहिए इसको, आप इसका वेट कीजिए, ये और फॉल हो सकता है। और अगर 400 के लेवल को तोड़ता है, सबसे पहले तो 435 के लेवल को तोड़ता है तो ये 400 का लेवल दिखाएगा और 350 भी दिखा सकता है, नया लो भी बना सकता है। तो उसको हमको अभी वेट करना है, क्रॉस करने दीजिए ना 500 को, इसको 500 को क्रॉस करेगा फिर हम इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे। तो जो ऑलरेडी पोजीशन बना कर रखे उसको निकलने की, इतना ज़्यादा लॉस में निकलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने हाई में बाय किया, आजकल में बाय किया निकल सकते हैं, तो लोअर में आपको बाय मिल जाएगा, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिएगा। सेंटिमेंट 60% बाय है। इसका नहीं बाय करने का और एक रीज़न है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो पी है 44 है और जो इंडस्ट्री पी है 30 है, ऑलरेडी तो ओवर वॉल्यूम है, डिलीवरी आपको 29% बता रहा है, बुक वैल्यू 2.60 जो अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड भी 0.44 है, ये भी अच्छा है। लेकिन आजकल जो इसका ग्रोथ हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो एक रीजन है जहाँ पे। और एक चीज़ आपको बता दूँ, शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर शेयर होल्डिंग में इसका 4.78% जो है ना प्रमोटर शेयर होल्डिंग हेज में, प्लीज करके रखा हुआ है। टोटल FII का 16.78% है और प्रमोटर 54.38 पोजीशन बना के रखा है। तो आप देखेंगे FII ने यहाँ बाइंग किया इस क्वार्टर में, और म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की है, बाकी लोगों ने सेल किया है, और प्रमोटर एज इट इज अपने पोजीशन को 54.38 को बना के रखे हैं, उसमें से 4.78% को इन्होंने ये दिया है, प्लीज कर दिया, गिरवी रखा है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो ये सारे रिटर्न आप देखिए, वन डे, वन वीक, वन मंथ, सब निगेटिव है। केवल आप 10 इयर्स में देखें, 5 इयर्स के में इसने जो रिटर्न दिया नेगेटिव दिया, तो इसमें कोई आप 10 साल में 335% का रिटर्न आपको दिखता है। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कोई पोजीशन बना करके आजकल में निकलना नहीं। अगर मैं इसके कैश फ्लो को देखो तो माइनस में 736 है। यहाँ पे कैश फ्लो था लेकिन हमें अब जा करके माइनस में भी आ रहा है, हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मैं इसके बैलेंस शीट को फिगर को देखो तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके पास रिजर्व तो 40 करोड़ का है और डेब्ट जो है इसके पास 17,000 करोड़ के आसपास का है। आप देखेंगे तो इसका डेब्ट होगा जो 17,000 करोड़ के आसपास का है। अब अगर चलिए इसको मैं आपको इसके डेब्ट को दिखाता हूँ, एक मिनट, इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इसका जो डेप्ट है 6,778 करोड़, 6,000 करोड़ का डेप्ट है। इसके सामने अगर देखें तो रिजर्व अच्छा खासा है इनके पास। सेल देखिए 1900 करोड़ की जगह 2200 करोड़ हुआ दिसंबर 17 से, लेकिन जून से कंपेयर करें तो लो हुआ है। अगर PBT की बात करें तो इनको 59 करोड़ का हुआ है, जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे 506 को 196 178 करोड़ का हो रहा था, और नेट प्रॉफिट लॉस हुआ इसमें एक हाई आइटम 800 करोड़ का कुछ इन्होंने बुक किया है, इसके लिए अच्छा खासा लॉस भी बुक हुआ है। अगर इसके फाइनेंशियल को हम यहाँ पे देखिए, इनके पास 19,000 करोड़ का रिजर्व है और यहाँ 1,000 करोड़ का, यहाँ पे अभी 7 करोड़ हो गया है। कैश फ्लो आपको बता दिया निगेटिव है इसका,
कैश फ्लो जो है ये निगेटिव जीरो, यहाँ पर मार्च में भी जीरो था, निगेटिव मेंटेन कर रहे थे। हाफ ईयरली रिटर्न आपको क्वार्टरली रिजल्ट बता ही दिया, इसका क्वार्टरली रिजल्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं गिरावट भी और अपनी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है एक जो प्रॉफिट हुआ है 500 अदर इनकम प्रॉफिट बिफोर, तो आप देखेंगे माइनस निगेटिव रिटर्न आया प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस, क्वार्टरली रिटर्न जो है यहाँ पे सेप्टेम्बर में निगेटिव रिटर्न है, लेकिन अदर इनकम इनको 532 करोड़ का हुआ जिसके चलते इनको 470 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनकम है इनका जो मेन इनकम है वो निगेटिव 62 करोड़ का है, अभी अदर इनकम से इनको सहारा मिला 470 करोड़ का दिखाया है। और इंटरेस्ट क्वार्टरली में देखिए बढ़ते जा रहा है, 136 के बाद 151 करोड़ आ गया, और आप देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम 318 करोड़ और 1200 करोड़ का कोई बुक हुआ है, ये दो आइटम यहाँ पे 1200 करोड़ का कुछ एक्सेप्शनल आइटम बुक हुआ है, तो अब इनका जो प्रॉफिट लॉस हुआ ये 895 करोड़ का हुआ है, EPS वगैरह सब अभी निगेटिव आ चुका है। तो इसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं कि इसको हमको बाय करना है, फाइनेंशियली ये सॉलिड दिखता नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात भी कर लो आपको, तो आप देखिएगा जहाँ 28 करोड़ 31 करोड़ 26 करोड़ था वहाँ अभी तक 27 करोड़ का, तो सेल तो अच्छा हो गया। प्रॉफिट भी देखे तो जहाँ मार्च 17 में 10,000 करोड़ था वहाँ 5,000 और अभी 6,000 पे है, जहाँ 32% का मार्च 17 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो अभी 23% पे। अदर इनकम में देखेंगे तो यहाँ पे इनका अदर इनकम में बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे तो आप बढ़ते जा रहा है 400 से 500, 500 से 511 है। डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, हमने एसेट भी इन्होंने बाई किया है इसके लिए डिप्रिसिएशन भी, इसलिए कैश फ्लो इसका निगेटिव है। EPS देखेंगे तो आप EPS में बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है, जो वापस ये 6 से बढ़ के 6-8 से बढ़ करके 12-14-21-18 गए थे, वापस ये अपनी पुरानी स्टेटस 9 को गेन कर लिया। तो अगर मैं इनकी टिल टुडे अगर देखो ये मंथ वाइज देखो रिटर्न, तो 10 ईयर में 22% था, 5 ही घटता हुआ ट्रेंड है इसका सेल्स ग्रोथ। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ कंपाउंडिंग तो निगेटिव में 22% है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए सिर्फ 7% है। तो ऐसे शेयर में अभी के अभी कुछ ग्रोथ आ जाएगा ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो वापस हम अगर चार्ट पे चले तो अपने को क्या समझ में आ रहा है, अगर चार्ट में देखें तो MACD लाइन जो नीचे की ओर जा रही है निगेटिव पैटर्न बता रहा है, RSI जो है उसका RSI जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है, और यहाँ पे ये यहाँ के आसपास 33 के आसपास बता रहा है, तो RSI एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, 33 है तो ओवरसोल्ड भी नहीं है और भी नीचे जा सकता है, 18-12 तक भी 15-20 तक भी जा सकता है, तो अभी और गिरने की संभावना बन सकती है इसमें। और हाँ ये एक चीज़ जरूर है कि ये जो 473 का रेंज है ना उसके भी नीचे जा करके फॉल दिया, और इनडिसीजन मतलब एक सिंपल सा सेल का कॉल बना है यहाँ पे और उसको लेके फॉल किया, और बोलिंगर बैंड के दोनों साइड के क्रॉस को नीचे की ओर क्लोजिंग दिया इसने, तो ये ओवरसोल्ड कैटेगरी तो दिखता है, यहाँ से हो सकता है आपको टाइमिंग रिकवरी भी दिखाए, लेकिन अगर किसी को बाइंग पोजीशन बनानी है तो उनको एटलीस्ट मिनिमम 475 का स्टॉप लॉस लेकर के बना सकते हैं, सेल करना है तो किसी को तो 475 के स्टॉप लॉस से आप इसको सेल पे भी बने रह सकते हैं। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है निगेटिव है ये, अभी पॉजिटिविटी इसमें कुछ आएगी नहीं और इसको अभी बहुत ऊपर निकलना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी कोई इसके कोई गेन ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। तो इसमें जो पैटर्न दिख रहा है जो क्लोजिंग है या आवरली बेसिस पे देखेंगे, और आवरली बेसिस पे इसको अगर मैं देखूँ वीकली बेसिस पे ये, और वीकली बेसिस पे जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है 525 के तब तक मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो अगर ये किसी को पोजीशन बाइंग करनी भी हो तो 525 प्लस में आप जाके बाइंग कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस पे, अदरवाइज आप इस पर सेल करके आराम से बैठ सकते हैं। इसमें आज देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज 42% डिलीवरी परसेंटेज है, आज का जो आपने देखा इसने ओपन हुआ 492 पे, हाई बनाया 461 का, लो बनाया 441 का, और लो पे ही जाके क्लोजिंग दे दिया। अगर इसमें डेरिवेटिव में कॉल पुट में बात करो तो 400 की पोजीशन पे बहुत अच्छी खासी बाइंग हो रही है इसमें, 400 के लेवल पे इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है 845,000 का, और उसके बाद जो सपोर्ट है 420 पे, 430 पे भी।
तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 4 लाख पे, और सबसे ज्यादा आज जो पोजीशन बनी है ओपन इंटरेस्ट की 400 पे बनी है। मैं सब लोगों को एक बार बिलीव है कि ये 400 दिखा सकता है और वहां के बाद 380 भी दिखा सकता है, जो कि 4,16,000 का आज ही 4 लाख यहाँ पे भी बना है। तो नीचे की ओर अभी पोजीशन बाइंग हो रही है, सपोर्ट नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से और टूटता जा रहा है। तो ऊपर 500 पे आज एडिशन हुआ है 16,53,000 का, उसके बाद 490 पे 3 लाख का, सेकंड हाईएस्ट जो बना है 480 पे बना है 7 लाख का, और 460 पे भी 7 लाख का। तो ऊपर की ओर 500, नीचे की ओर 400, तो ये 400 से 500 के रेंज में अभी हो सकता है आपको ट्रेवल करते दिखे। लेकिन ये दोनों में से किसी और भी जिस और तोड़ेगा, नीचे की ओर तोड़ेगा तो आपको 370, 375 और वहाँ से आपको 325 भी देख सकता है, और 500 के रेंज को तोड़ेगा तो 535, 575 ऐसे करके ऊपर की ओर भी दिखा सकता है। तो 400 से 500 के रेंज में जिस और भी तोड़ेगा उस और इसलिए आपको फायदा करेगा। अभी आप 400 का पुट अगर कोई लेता है, जो कि उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसको 7 रुपये का है, और आप देखेंगे ये कोई लेता है जिसका लॉट साइज है 1100, तो यहाँ पे आप सन फार्मा का पुट लेते हैं तो आपको 7700 रुपये में आपको 7 रुपये हाई 10 रुपये का भी गया था, लो 4 रुपये का था, तो आपको शायद ये 7 रुपये 6 रुपये में मिल जाएगा, तो 6600 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। और आप मेरे अंदाज से इसमें बने रह सकते हैं, पुट में अभी बने रह सकते हैं, हो सकता है 400 के पुट में आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिले। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए है, और अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल जो है 1,28,700 है, बाय 2,55,000 है, पुट में अच्छी खासी बाइंग है, वो भी इस लेवल पे है, तो 400 के लेवल पे अच्छा है। और अगर ये जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है 455, जो इसका एट द मनी का है 455, तो 455 एट द मनी 460 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 1,10,000 पुट की ओर 1,10,000 बना है और कॉल की ओर 7,35,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इसमें कॉल के साइड में 4-7 लाख ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 460 के लेवल पे देखे है। तो और 450 पे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे इधर कॉल पुट की तरह 2,83,000 और यहाँ पे 3,86,000, मतलब 400 से 500 का रेंज जो है ये अभी टाइम बीइंग आपको मेंटेन करेगा रहेगा, इतना जल्दी वो किसी भी और डायरेक्शनल चेंज नहीं दिखाएगा, और जिस और भी दिखाएगा आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ से सन फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो ये एक सन फार्मा में थोड़ा सा अपना मेरा ऑब्जर्वेशन था, अपना ऑब्जर्वेशन है, फिर भी अगर आपको कोई भी पोजिशन बनानी हो तो सन फार्मा निगेटिव है, अभी मेरा ऑब्जर्वेशन है निगेटिव, पुट की ओर बने रह सकते हैं, और जब अगर ये 435 के लेवल को तोड़ता है तो आपको अच्छा खासा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर बाय करना है तो 435 के स्टॉप लॉस से बाय करें, और अगर सेल करना है तो 475 के स्टॉप लॉस से सेल करें। आपको जिस और पोजीशन बनानी हो आप बना सकते हैं। निगेटिव मेरा ज़्यादा पोजीशन है, निगेटिव मैं इसमें ज़्यादा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली भी कुछ सुधरने वाला तो है नहीं है। अब फाइनेंशियली भी देखें तो कोई सेल इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ का सेल तो है नहीं, सेल ग्रोथ इसका निगेटिव है, रिटर्न को बहुत अच्छा तो दे नहीं रहा। तो किसी भी बेसिस में अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट को भी लॉस को भी देखूँ तो ऐसा कोई बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है निगेटिव है, उसका एक कारण है कि अदर इनकम में कुछ बुक हुआ 863 करोड़ का, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिखा रहा 22% दिखा रहा है, जो कि पहले भी से मेंटेन हो रहा था। तो जहाँ 30-35% का इनकम मेंटेन होता है तो वहाँ पर 22-20% मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसमें कोई चीज़ नहीं दिख रहा जब तक इसका सेल्स पैटर्न नहीं चेंज होता है। अगर सेल्स पैटर्न भी अगर इसका सेल्स भी ग्रोथ में आता ना तो भी हम कह सकते थे कि चलो ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 7.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, इतनी बड़ी कंपनी जो इतने दिन से चल रही है और उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी एलिगेशन लगता है इस पर, तो ऐसे शेयरों में अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। अपने वेल्थ को लॉस करने का मतलब है ऐसे शेयर में डाल के रखने से। आप इसी की जगह अगर एक बायोकॉन जैसी कंपनी को लेते हैं, फार्मास्यूटिकल में अगर आपको बहुत शौक है तो बायोकॉन पे पोजीशन बनाते हैं, तो देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए 10% से हो रहा है, और आपको अभी करेंट प्राइस इसका 616 का है,
और रिटर्न ऑन कैपिटल 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6 है। अगर मैं इसका प्रॉफिट लॉस दिखाऊं तो आप देखिए जो मार्च तक 400 था वो 4600 तभी क्रॉस कर चुका है, जो इसका नेट प्रॉफिट 372 था 697 तभी तक आ चुका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 610 था 984 आ चुका है, जो इसकी 20% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी 22% पर दिखा रहा है। तो अगर इसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है और सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है तो रुपीज तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसे ही शेयर में हमको बने ही रहना है तो मुझे दिखता है कि अगर हम बायकॉन जैसे शेयर में बाय करें तो खराब तो क्या है, और क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे अगर ये प्रॉफिट लॉस में तो सेल जहाँ 1100 से 1300 हो गया है वहीं आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% से 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, और प्रॉफिट लॉस देखिए 190 के बाद सीधा जंप करके 451 हो चुका है, 120 से नेट प्रॉफिट 355 हो चुका है, उसमें एक अदर इनकम 245 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा हैंडसम इसमें कंट्रीब्यूशन है, बट इंटरेस्ट देखिए इनका 18 करोड़ 19 करोड़ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें बायकॉन जैसे शेयर में क्यों नहीं अपन यहाँ पे पैसा लगा करके रख सकते हैं, बायकॉन को भी तो देख सकते हैं। तो मेरे अंदाज से सन फार्मा में अगर आपको कोई लॉस है या आप चाहते हैं स्विच करना तो बायकॉन की ओर देख सकते हैं। फिर भी कोई पोजीशन बनाने से आप अपने बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से ही मैं बनाता हूँ और आप लोगों के सामने रखता हूँ। वीडियो देखने के लिए